ये किधर से चेक होगा कि एलईडी है या टीएसएफ है या लो क्वालिटी हाई क्वालिटी? ये इस टाइम सबसे अच्छा मैकेनिक का पैनल चल रहा है जिसका रिजल्ट बहुत आउट क्लास है। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको बताता हूँ आईफोन XS का पैनल किस तरह चेंज करते हैं और उसको चेक किस तरह करते हैं कि ये पैनल ओरिजिनल है, हाई कॉपी है, लो कॉपी है, और डिटेल से आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये नीचे वाले जो दो पेज होते हैं आईफोन के, तो ओपन करने पेज का आगे साथ ये बताएं ये किधर से चेक होगा कि एलईडी है या टीएसएफ है या लो क्वालिटी हाई क्वालिटी? जो सा होता है ना एलईडी, वो सब शीशे में होता है, शीशे में उसका डिस्प्ले होता है, लाइटें भी उसमें होती हैं, उसका एक एक पिक्सल जलता है। हाँ। जो होती है ना ब्लिंक करता रहता है वो? नहीं, उसके एक एक दाना चल रहा होता है फिर डिस्प्ले ओपन होता है। जो सी होती है एलईडी, जो होती है एलसीडी, उसमें लादा पेपर लगे होते हैं, इसके लादा बैक लाइट लगी होती है, उसकी डिस्प्ले शीशे में होता है और लाइट जो होती है बैक पेपरों में होती है। सही। ये इस टाइम सबसे अच्छा मैकेनिक का पैनल चल रहा है जिसका रिजल्ट बहुत आउट क्लास है। टच चेक कर रहे हैं कि मुकम्मल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें प्रॉपर ट्रू इंटर करने के लिए इंस्टॉलेशन करने के लिए, ठीक है, न्यू पैनल लगाएं ट्रू खत्म हो जाता है।
तो आपको दिखाएंगे इसका चार्ट। पेपर उतार कंबल पैनल चेंज हो चुका, काम कर रहे हैं।